हेलो फ्रेंड, सभी को स्वागत है। मैं खरुल, अगर आप देख रहे हैं जीडीएसई पोस्ट। दोस्तों, हमारा आज का विषय है कैश कन्वे अलायंस। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कैश कन्वे अलायंस का ऑर्डर निकल चुका है, जो कि डाक भवन से निकला था 25 जून को। तो उसी ऑर्डर में कैश कन्वे अलायंस का भी ऑर्डर निकाला गया है, लेकिन दोस्तों अभी तक बहुत सारे डिविजन ऐसे है जिसमें ऑर्डर नहीं हुआ है। दोस्तों, इस केस में आपको क्या करना चाहिए और कैसे जो है आपको रिवाइज कैश कन्वे अलायंस मिलेगा। तो अगर आपको जानना है कैश कन्वे अलायंस के बारे में तो आप वीडियो देखते रहिए। तो अगर आप अपने ऑफिस का काम के लिए रेगुलर कैश कन्वे करते हैं, साब ऑफिस से लेके ब्रांच ऑफिस और ब्रांच ऑफिस से लेके साब ऑफिस तक, मतलब कि अगर आपका ऑफिस का काम के लिए कोई कैश जरूरत हो तो आप अकाउंट ऑफिस से कैश लाते हैं, और अगर आपका कैश एक्सेस होते हैं तो जो है आप अकाउंट ऑफिस में कैश वापस करते हैं। तो इस केस में आपको कैश लेने हैं और आपको कैश देने हैं, दोनों केस में आपको जो है अलाउंस मिलता था। पहले जो मिलता था वो सिर्फ आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, मतलब कि जाने आने का जो खर्चा है, सिर्फ वही मिलता था और वो फिक्स्ड है। मुझे मेरे ख्याल से वो कभी रिवाइज नहीं हुआ है। मतलब रेंट तो बढ़ा है लेकिन आपका जो कैश कन्वे अलाउंस है वो नहीं बढ़ा। लेकिन दोस्तों, रिवाइज कैश कन्वे अलाउंस का जो ऑर्डर आया है उसमें बताया गया है, अगर आप 1 लाख तक कैश साब ऑफिस से लाते हैं या साब ऑफिस में वापस करते हैं, मतलब कैश रिसीव करते हैं या कैश रिमिट करते हैं, तो जो है आपको 30 रुपए का कैश कन्वे अलाउंस मिलेगा। और उसके साथ साथ जो है आपको एक्चुअल जो ट्रैवल फेयर से, मतलब को जो बस फेयर है, टोटो फेयर है, आप जिसमें यातायात करते हैं साब ऑफिस से ब्रांच ऑफिस तक, तो उसका जो एक्चुअल फेयर है वो आपको मिलेगा। सपोज आपको साब ऑफिस से अपना ऑफिस में कैश लेने के लिए आपको जो रेंट देना पड़ता है बस को, वो सपोज है 50 रुपए या 30 रुपए, तो वो तो आपको मिलेगा ही। साथ साथ जो है 1 लाख का कम कैश के लिए आपको मिलेगा 30 रुपए। दोस्तों, अगर आपको 1 लाख के ज्यादा कैश हैंडल करना है, मतलब कि आपको रिमिट करना है या साब ऑफिस से रिसीव करना है, उस केस में भी आपको जो है कैश कन्वे अलाउंस मिलेगा 50 रुपए, और एक्चुअल जो फेयर रहेगा वो मिलेगा। तो सिर्फ कैश रिसीव करने के लिए नहीं, बहुत सारे दोस्तों के सब यही पता है कि उनको सिर्फ रिसीव करने के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। अगर आप कैश रिमिट करते हैं, मतलब कि आपका ऑफिस का जो लिमिट है उस कैश से अगर आपका ऑफिस का कैश ज्यादा होते हैं तो आपको उस केस में कैश रिमिट करना पड़ता है। तो इस केस में आपको जो है सेम अलाउंस भी मिलेगा जो कि कैश रिसीव करने के समय आपको मिलता था। तो ये था कैश कन्वे अलाउंस के बारे में छोटा सा एक जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चले। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जीडीएस ई पोस्ट में सब जीडीएस रिलेटेड आर्टिकल्स और जो है वीडियो आते रहते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।